Hello everyone, now once again our next topic is heating effect of electric circuit. Clear? Heating effect क्या होता है आज इसको समझेंगे. Now if an electric circuit is purely resistive, the source of energy continually can dissipate entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. That means क्या होता है तो सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, खर्च होती है, तो क्या होती है वो हीट के फॉर्म में कंज्यूम होती है. ठीक उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और सर जानते हैं एस इक्वल टू पी इंटू टी वेयर पी इज पावर, टी इज टाइम एंड ई इलेक्ट्रिक एनर्जी. क्लियर? एंड वी नो दैट पी इक्वल टू वी आई, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ पी that is VIT. Clear? Now, as you know that electric energy is equal to the heat produced in the resistors and appliances, so we can write that E equal to H. So, H equal to VIT. H equal to VIT. And if we put the value of V, that is V equal to आई आर. ठीक यदि हम यहाँ इस बी की जगह पे इस आई आर को पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आई डबल हो जाएगा, मींस आई स्क्वायर आर और टी एंड देयरफॉर एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.